पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। विश्वास है वह एक भगीरथ व्यास की तरह है। मैं पुनः इन्हें बधाई दे रहा हूँ। हमारे बालू चचा कह रहे देखिए भाई आनंद जी कह रहे तो बहुत सही बात उन्होंने कही कि आज के दौर में पुस्तक लिखना तो बड़ी बात ही है, पुस्तक छपवाना सबसे बड़ी बात है और पुस्तक छपवा के सही लोगों तक पहुँचाना उससे भी बड़ी बात है। मैं कभी कभी सुहेल मास्टर साहब को मैं कहा करता हूँ कि देखिए आप रिटायर हो जाते, हो सकता था अगर तनख्वाह जोड़ते तो करोड़ों रुपया आपके पास हो जाता, मर जाने के बाद कोई नहीं पूछता, लेकिन आप रहे गायक श्री सुरेखा जी और ग्रामर के प्रधान माननीय बलवंत सिंह जी और तमाम हमारे जो गायत्री स्वरूप हमारे वाल्मीकि भैया तमाम लोगों को देख रहे हैं राम जी। और सबसे तो मैंने आज सभी जी का जो है आज सरस्वती गान सुना, आपको भी प्रणाम है, सबको प्रणाम करते हुए और आनंद जी को इस गहबर के आनंद ये पहले लेकिन आपको हम समझते हैं कि हर साहित्य के आनंद हो चुके हैं केवल गहबर के आनंद में आनंद जी जो है यहाँ से मैं उनको भी नमन करता हूँ और जहाँ भी जाते हैं आपको सुन करके हम लोगों को मुझे गौरव महसूस होता है। लेकिन इस अवसर पर सबसे पहले मैं अखंड जी को जो है अपने तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने जिसको हम लोग बहुत कुछ छोटी बात समझते हैं उन बातों को उन जानकारियों को मैं अभी किताब का जो है अभी मैं लिया अंतरम पढ़ रहा था और उस अंतरम को मैंने देखा तो मैंने यही समझा कि जिसको हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं उसको इन्होंने इस तरीके से सार्वजनिक रूप में एक पुस्तक के रूप में दिया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत आपकी सोच आपकी कल्पना इस पुस्तक से प्रदर्शित होती है और निश्चय ही हम सभी जो है गहमर को केवल अपना गहमर समझते हैं या जो है हम लोगों की भूल है। कहीं ना कहीं इस किताब में अपनी लेखनी के माध्यम से यह बताने का जो है कोशिश की है कि नहीं यह गहमर एक परिदृश्य है जहां एक हर तरीके का मानव समाज मानव सभ्यता मानव संस्कृति और जो है एक सच्ची जो है मानसिकता यहाँ निवास करती है। इस किताब में आपको बताने का काम किया इसके लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद और इस अवसर पर मुझे आकर के और कुछ करने का अवसर मिला इसके लिए आपको आपने मुझे अवसर दिया इसके लिए भी आपको और हमारे संचालक मिथिलेश जी को वाकई में फिर मैं मिथिलेश जी आनंद जी को इसके लिए कि आप जो है गहमर के साहित्य की पहचान है। हम लोग नहीं रहे थे जब गोपाल जो है जब साहित्य था वह चलता था उस समय उस जमाने के हम लोग नहीं है लेकिन उस जमाने में जरूर है जहां आप जो है गहमर की पहचान आनंद और मिथिलेश से होती है। ये अपने आप में हम सभी लोगों के लिए बहुत गौरव की बात है। इस अवसर पर आप लोगों की मैं जो है आभार व्यक्त करते हुए आप लोगों का अभिनंदन करते हुए और अखंड जी को जो उस परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं वाकई में जिन बातों को मैंने कुछ देखा इसमें तमाम जो है चीजें जो लोग बाहर रहते हैं हम तमाम अभी मैंने अपने डाला जो है अपने जो भी मेरे सोशल मीडिया का माध्यम में मैं बैठे बैठे उस अंतरम को डाला और इस पुस्तक की जो जानकारियां अंतरम में दी गई है तमाम चीजें हम खोजते हैं कि किस वार्ड में किस कौन सा कौन लिहाज से लेकर क्या क्या जो है जो जिन बातों को एक पुस्तक के रूप में उन्होंने देने का काम किया है। स्थान तो वो तहलीफ की है हर चीजें जो है जो इन्होंने जानकारी दी मतदान के जो लोग जो पूछते रहते हैं और आते हैं वो तमाम धन्य
सभी जो हम लोगों की जिम्मेदारियां बनती हैं नहीं कर पाते, उन जिम्मेदारियों को भी आप इस पुस्तक के माध्यम से बखूबी प्रकाशित करने का काम किया है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अशोक चाचा को आपने हृदय से प्रणाम करते हुए और मां जो इस अखंड को पाया की और उस मां के नाम पर पूरे उस मां से प्रेरणा लेकर उस मां के नाम पर एक साहित्य गंगा बहाने का काम जो खंड कर रहे हैं उस मां को भी इस अवसर पर मैं प्रणाम करता हूँ। और मैं अशोक चाचा को भी यहाँ से प्रणाम करता हूँ कि आपने एक ऐसे लाभ को पैदा किया है कि जो गर्व से आप कह सकते हैं जो एक हम अच्छी नहीं पूरे इस परिमंडल का साहित्य पहचान बनता जा रहा है उस अखंड को फिर मैं एक बार फिर तरफ से आशीर्वाद देते हुए अपने नाम को समाप्त करता हूँ। जय हिंद जय हो। वैसे ही होता है जैसे